I can feel the warmth of the sun. It feels good. तो अभी की बुरी खबर ये है कि रोड्स बहुत अच्छी तो है नहीं. वो डैम किधर से है? ये गलत दिखा रहा है. Well, hello everyone. बज रहे हैं सुबह के 7:20 एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आज वीकेंड है, वीकेंड पे वीकेंड राइड तो बनती है, तो ये ब्रेकफास्ट राइड से थोड़ी बड़ी राइड है. तो हम जा रहे हैं भाटकर डैम, विच इज़ अराउंड 70-75 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस. और बीच में एक नेकलेस पॉइंट आता है, वहाँ पे एक वाटर बॉडी है जो कि नेकलेस के जैसे दिखती है, इसलिए उसको नेकलेस पॉइंट कहते हैं. सो दैट नेकलेस पॉइंट इज़ अराउंड 60-65 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस. तो अभी हम निकल चुके हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है. मैंने सोचा विंटर लाइनर पहन लूँ, लेकिन विंटर लाइनर के लायक ठंड नहीं हो रही है. और वहाँ बहुत ही प्यारा सनराइज़ हो रहा है. सनराइज़ का टाइम था 6:59 AM और अभी हो रहे हैं 7:25 AM. तो अभी 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 ही सूरज निकला हुआ है. सो वंडरफुल मॉर्निंग. यहाँ से हमें लेना है राइट. भाई बहुत मज़े आ रहे हैं, हल्की हल्की ठंड लग रही है फेस पे. I can feel the warmth of the sun. Feels good, feels like a blessing. तो अभी हमें आगे से थोड़ा सा टर्न लेना है और उसके बाद हम आ जाएंगे हाईवे पे. हाँ, तो हम आ चुके हैं मुंबई बेंगलोर हाईवे पे. और एज यूजुअल यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक होता है. एक्चुअली ये मेन हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई, पुणे एंड देन some of the major cities of Karnataka and then it goes to Bangalore. बहुत सारी लोकल जगहों को भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए पीपल टेंड टू टेक दिस हाईवे. अभी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक आएगा, जल्दी से ये ट्रैफिक काट के हम निकलते हैं आगे. ये ब्रिज बहुत ही सुंदर लगता है. उधर जो सारे घर बने हुए हैं ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है. पेट्रोलियम इंडियन ऑयल है, यहाँ पे हम फ्यूल अप कर लेते हैं अपना. तो अभी का अपडेट ये है कि लगने लगी है चाय की तलब. और मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में देखा और काफ़ी सुना भी है, एक ओमकार मिसल हाउस करके है, वहाँ पे मिसल पाव अच्छा मिलता है. तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहीं रुकें अगर वो मिला तो. वैसे मैप में मैंने उसका स्टॉप डाल नहीं रखा है, ऐसे ही चल रहे हैं आँखों के भरोसे. देखते हैं, मिला तो अच्छा, वरना आई गेस कहीं भी रुक के चाय तो पी लेंगे एटलीस्ट. ये ट्रैफिक तो मतलब है काफ़ी, यहाँ टोल पे भी काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, बट ये हमारे लिए वैलिड नहीं है. बाइक वाले साइड से निकल सकते हैं, बाइक वाले और आई गेस ऑटो वाले भी. ऑटो वाला निकल तो रहा है बट मेरे को नहीं पता है. तो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए. हमने नोटिस किया कि ओमकार मिसल हाउस एक्चुअली उस साइड पे है,
तो वो यू टर्न लेके फिर उसका क्रॉस करके थोड़ा मुश्किल हो जाता। यहाँ पे एक जोगेश्वरी मिसल हाउस दिखा है, यहाँ पे रुकेंगे, चलते हैं फिर अंदर। ओके, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने बाद में एक और चाय मंगा ली थी क्योंकि चाय काफ़ी अच्छी थी और सुबह सुबह इस ठंड के मौसम में चाय अच्छी लगती है। तो अभी हम चल रहे हैं, मैप कुछ दिखा रहे हैं 25 मिनट्स, तो आराम से पहुंचेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट भी आराम से किया है और पहुंचेंगे भी आराम से क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो एकदम आराम आराम से ट्रिप करेंगे बिना किसी घाई के। धीरे धीरे जाएंगे, स्पॉट्स पे रुकेंगे, ब्रेक्स लेंगे, इन्जॉय करते हुए जाएंगे बेसिकली। और स्पीड भी मैं आज बहुत नहीं रख रहा हूँ, मतलब इतनी रख रहा हूँ जिस पे फिफ्थ गियर लग जाए, 70-80, दैट्स इट। तो अभी हमने मैप लगा लिया है, मैप में 23 मिनट्स दिखा रहा है क्योंकि अभी हाईवे से उतरने के बाद मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किधर जाना है और कहाँ जाना है। तो अभी की बुरी खबर ये है कि रोड्स बहुत अच्छी तो है नहीं, बट कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कुछ टाइम ही अच्छी हो जाएगी। अभी हमें जाना है कुछ 4.4 किलोमीटर्स, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसी रोड रही तो भी चलेगा, बट बाइक के लिए फिर भी ठीक है। ये एक छोटा सा पैच दिख रहा है जो कि थोड़ा सही है, यहाँ से अपनी बाइक निकल रही है, बढ़िया, तो यहीं से निकालते रहेंगे जब तक यहाँ से निकलती है, फिर आगे देखते हैं कैसा है। मैं यहाँ पे कुछ 4 मंथ्स बैक आया था, एक ऑफिस आउटिंग थी तो वो रास्ता यहीं से गया था, तब एक्चुअली बस थी ऑफिस की, तो मुझे याद नहीं है रास्ता कैसा था क्योंकि यू डोंट केयर व्हेन यू डोंट ड्राइव। तो अभी देखते हैं, इधर चलना है क्या? वो भैया बोल रहे हैं आगे बंद है। पसंद होंगे, काफी ऐसे सीनिक टाइप्स होते हैं। नाइस। और इधर कैसा है? इधर भी काफी अच्छा है। सामने एक बाइक वाले भैया जा रहे हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, वो जिस साइड से निकाल रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी साइड से निकालें। सामने वाली गाड़ियाँ इतनी धूल उड़ा रही हैं, बाइक पूरी वापस गंदी हो जाएगी, अभी वॉश कराई थी। ऑफिस में एक कलीग ने नई बाइक ली है, क्लासिक 350, तो वो बोला था कि मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक और आप अपनी बाइक दिखाना, उसने मेरी बाइक नहीं देखी थी काफ़ी दिनों से, तो अब क्योंकि प्रेजेंटेशन थी तो वॉश करवा के ले जाना था, तो उस टाइम मैंने वॉश करवाई थी। और सामने उम्मीद की किरण दिखती हुई, खराब पैच ख़त्म होता हुआ और थोड़ी सी बेटर रोड चालू हो चुकी है, इतनी भी अच्छी नहीं है पर ठीक है। डिस्टेंस बचा है हमारा 1.3 किलोमीटर्स। तो अभी मैप में अपडेट ये है कि हम नेकलेस पॉइंट पहुंच चुके हैं, जो डैम हमें जाना है वो यहाँ से आगे है। नेकलेस पॉइंट पे थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर आगे चलेंगे आराम से। Thank you.
अभी हम नेकलेस पॉइंट से निकल आए हैं और हम जा रहे हैं भाटघर डैम। डैम वैसे यहाँ से दिख तो रहा है बट मैप पे कुछ 5 किलोमीटर शो कर रहा है, तो चलते हैं। रोड्स आई गेस ऐसे ही रहेंगी, तो हमें 5 किलोमीटर और इस रोड को ही अपना साथी कहना पड़ेगा। तो अभी हमें एक राइट लेना था, हमने राइट लिया तो अचानक से कुछ अच्छे रास्ते आ गए हैं। अभी डेस्टिनेशन को है 3.6 किलोमीटर। लेट्स सी। यार ये पेड़ कितना ही सुंदर लग रहा है, पूरा ऐसे दोनों साइड से रोड को कवर किया है। और ये राइट साइड में वापस से सह्याद्री रेंज चालू हुई। मतलब अपनी हाईनेस और किडनैप व्हीकल के अलावा कोई नहीं है, कुछ और गाड़ियां आई। गोरेट पोल्ट्री फार्म, आई गेस यहाँ पे लोगों के फार्म हाउसेस होंगे। ओह नाइस, उधर भी पूरा पानी पानी है। किसी का घर है, हॉल तो खाली लग रहा है बट यहाँ पे रहने में कितना मजा आता। ये नीचे जा रहे को कह रहा है, गलत तो कह नहीं रहा होगा। चलते हैं। वो डैम किधर से है? ये गलत दिखा रहा है, सबको गलत दिखाता है क्या? अरे किधर से है? नेकलेस वही पॉइंट है। एक जो डैम दिखता है वो किधर से है? भी हो गया है थोड़ा सा कट्टा। गूगल मैप्स पता नहीं कहाँ से ले आया है। अंकल जी कह रहे हैं कि ये रास्ता बंद है, तो मैंने कहा मैप पे दिखा रहा है, बोले हाँ बहुत सारे लोगों को दिखाता है, लोग यहीं आके फंस जाते हैं, इधर कुछ नहीं है, डैम का रास्ता यहाँ से नहीं है। यहाँ गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सामने वो डैम तो है। अब वहाँ तक जाने का रास्ता किधर से है ये वो अंकल को ही पता है। तो इतना पास आके भी हम नहीं जा पाए भाटघर डैम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और प्रिपरेशन से आएंगे और पता करके आएंगे लोगों से, सिर्फ मैप के भरोसे नहीं आएंगे। वैसे मैप मुझे काफ़ी जगह सही सही ले गया है। अभी कोंकण ट्रिप में बहुत सारी ऑफ बीट प्लेसेस पे काफ़ी सही ले गया है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मैप में आई गेस कुछ एडिट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि लोग काफ़ी भटकते होंगे। ये वाला रास्ता लेने का, तो आज एक नया रास्ता ट्राई करते हैं। ये इधर पीछे ट्रैफिक था बट अभी नहीं है। टाइम जो हमें वहाँ से लग रहा था चांदनी चौक से, उसका ऑलमोस्ट डबल लग रहा है यहाँ पे। तो अब तो घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अराउंड 15-20 मिनट्स पे है, तो पहुंचते हैं फिर घर। तो ये एक छोटी सी राइड का व्लॉग था,
डिसाइडेड था कि हम जाएंगे दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे तो गए लेकिन दूसरे पॉइंट पे नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम और रिसर्च करके जाएंगे, सिर्फ गूगल मैप्स के भरोसे नहीं जाएंगे। तो यार इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन रॉक एंड रोल।